आज मैं आपके साथ नाचोस की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही बढ़िया, एकदम मार्केट जैसे बनकर तैयार होते हैं, एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो आज चलिए आज हम नाचोस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पानी रख दिया है 1 कप बॉईल होने के लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। छोटी चम्मच नमक लिया है, आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आने लगा है। अब हम इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस 1 चुटकी हमें बेकिंग सोडा यूज करना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी के साथ नमक और सोडा को। इसमें 1 कप के बराबर ही मक्के का आटा डालेंगे। जितना हमने पानी लिया है उतना ही मक्के का आटा लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे लम्स ना पड़े। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं पानी एब्जॉर्ब हो गया है आटे के साथ। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अब हम 10 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए अच्छे से स्टीम हो गया है आटा। इसको हम एक बर्तन में बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई में से। आप देख सकते हैं हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच मैदा डालेंगे। 1 चम्मच व्हाइट पेपर डालेंगे। व्हाइट पेपर के बाद 1 चम्मच हम मिक्स हर्ब्स डालेंगे। हम इसमें 1 चम्मच से थोड़ा कम गार्लिक चीज पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो चीज पाउडर और गार्लिक क्रंच अलग से भी डाल सकते हैं, या आप सेम में हो तो आप सेम भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो। तो हम इसको हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, एकदम मैदे को उसमें मिक्स कर देंगे। मैदा बिल्कुल भी दिखे ना, एक डो तैयार करेंगे हम स्मूथ सा। तो हम इसको अच्छी तरीके से मसल मसल कर एक डो तैयार कर लेते हैं। अच्छे से मसल मसल कर हम इसका डो तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बन ही गया है। आप देख सकते हैं डो हमारा एकदम तैयार हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा डो बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरह का डो हमें तैयार करना है। इस डो को हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। एक मलमल के कपड़े से आप इसको अच्छे से ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, मसाला तैयार करते हैं। अब हम इस तरह की एक थैली ले लेंगे जिसमें हम नाचोस तैयार करेंगे। आपके पास थैली नहीं हो तो आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम तेल लगा लेंगे जिससे चिपके ना। तो इसको अच्छे से तेल लगा लेंगे पूरे थैली पर। 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। डो भी हमारा एकदम रेडी है। ये देखिए आसानी से टूट रहा है, एकदम बढ़िया डो बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके का डो हमें तैयार करना है। इसे हम एक रोटी के बराबर एक लोई तोड़ेंगे। इसको हम थैली में बीचों बीच रखेंगे और इसको ऊपर से फिर से थैली से उसी से पलट कर ढक देंगे। इसको हल्के हाथों से हम बेलन से मिलेंगे। पलट पलट कर हम अच्छे से इसको बेल लेंगे। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें बेल कर तैयार करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम पतला दिख रहा है, इतना पतला हमें नहीं करना है, थोड़ा थिक रहना चाहिए। तो हम खोलेंगे, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम चारों तरफ से किनारे काट लेंगे इसके। ये देखिए इस तरीके से किनारे काट कर हम इसको हटा देंगे। सबसे पहले इसको हम ट्रायंगल शेप में काटेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बीच में से कट लगाएंगे दोनों साइड से। अब फिर से हम किनारों से कट लगाकर इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें कट करना है। ये देखिए आपको एक उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा नाचोस का शेप एकदम आ गया है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। करने के पहले हम इनमें थोड़ा सा फॉक की सहायता से इस तरीके से होल कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके ऐसे ही हम इनको फ्राई करेंगे तो फूल जाएंगे। इसलिए हम इनमें थोड़ा सा हल्का सा इसको फॉक से इस तरीके से कर लेंगे। और मैंने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था एक कढ़ाई में। मैं बहुत तेज आंच पर तेल को एकदम गर्म नहीं करना है, वरना डालते साथ वो कलर एकदम से डार्क हो जाएगा। मैं मीडियम टू लो आंच पर हमें फ्राई करना है।
तो अब हम एक एक कर नाचोस को डालेंगे और जितने कढ़ाई में आएंगे, जितने हमारे तेल में आते हैं उतने ही डालना है, ओवर नहीं करना है। देखिए इस तरीके से एक एक कर हम डाल देंगे, जितने कढ़ाई में आएंगे उतने ही डालना है। ध्यान रखिए तेल मीडियम टू लो होना चाहिए, तेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, जितने आए उतने ही डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, वरना क्या है ठीक से फ्राई नहीं होते हैं, तो उतने ही डालना है। इसको हम हल्के हाथों से पलटेंगे और अलग पलट कर इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम बाकी का भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसकी फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, मीडियम टू लो आँच पर ही इनको फ्राई करेंगे। इनको हम अलट पलट करके अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, आप देख सकते हैं कलर आ गया है, थोड़ा सा और हम इनको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया नाचोस एकदम जो मार्केट वाले आते हैं बिल्कुल उसी तरीके के बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं वरना कलर ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए हमारे नाचोस एकदम बनकर रेडी हो गए हैं। इस तरह की एक जाली लेंगे, उसके ऊपर हम निकालेंगे जिससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। देखिए एकदम क्रिस्पी नाचोस हमारे बनकर एकदम रेडी है, ये आप देख सकते हैं एकदम से छार हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया नाचोस बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं, इसके ऊपर अब हम मसाला डालेंगे। पहले हम मसाला तैयार करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, चम्मच गार्लिक पाउडर डालेंगे, गार्लिक चीज पाउडर है ये, चम्मच इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, और अगर आपके पास ओनियन पाउडर हो तो ओनियन पाउडर भी एक चम्मच डाल लीजिए, चम्मच हम मिक्स हर्ब्स डालेंगे, चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर लेंगे, आपके पास चीज पाउडर हो तो 2 चम्मच चीज पाउडर भी ले लीजिए साथ में। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, चटपटा टेस्ट आ जाएगा इससे। देख सकते हैं सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इससे बढ़िया स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाएगा नाचोस में। बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें हम अपने नाचोस डाल लेंगे। मसाला हमने तैयार किया है वो हम ऊपर से छिड़क देंगे। अब देख लीजिए अगर आपको मसाला ज़्यादा लग रहा है तो आप बचा सकते हैं। तो मसाले को अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, आप सुन सकते हैं आवाज। अच्छे से मसाले को कोट कर लेंगे जिससे सारे नाचोस में मसाले अच्छे से लग जाए। ये देखिए नाचोस हमारे एकदम रेडी हो चुके हैं, ये देखिए नाचोस हमारे एकदम रेडी हो गए हैं।